हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट से संबंधित जो समस्या होती है वो अधिकतर जो है देखने को हमें आसपास के लोगों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो पेट दर्द हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो यानी पेट में जो है छाले पड़ जाना या गैस बनना, उनका स्वाद सही तरीके से ना रहना और गैस के कारण जो है सीने में दर्द होना। तो पेट से संबंधित जो ये सारी समस्याएं जो है हमें बहुत सारे लोगों में, आसपास के लोगों में, घर परिवार के लोगों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर रैक वैक की ड्रॉप नंबर 5, जो इस प्रकार की पेट से संबंधित समस्याओं में बहुत ही उपयोगी जो है होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, ये जो ड्रॉप है पेट में जो है अपच की समस्या हो, गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या हो, गैस का बनना हो, गैस के कारण सीने में दर्द हो, इन सभी समस्याओं के लिए जो है रामबाण का कार्य करती है और हमारे जो है पाचन तंत्र को ठीक कर के जो है इन सभी समस्याओं से निजात दिलाती है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो इसके लिए यूज़फुल है। दोस्तों, इसमें जो पहली मेडिसिन है एनाकार्डियम, दोस्तों एनाकार्डियम बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है पेट से संबंधित समस्याओं के लिए। और इस प्रकार के पेशेंट में जो है खाना खाने के बाद जो है पेशेंट को आराम मिलता है। इसके अलावा एनाकार्डियम का एक सिम्टम है कि वो जो है भूलता, कई बातों को जल्दी भूल जाता है, इस प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, दोस्तों पेट में जो है पेट के अपर पार्ट में जो है लोअर पार्ट में अगर गैस बन रही है और पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा जो अर्जेंटम नाइट्रिकम भी जो है होम्योपैथी की मेडिसिन है जो पेट से संबंधित समस्याओं के लिए यूज़फुल है। इस पेशेंट में जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में जो है हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो है मीठा खाने की इच्छा होती है और पेशेंट जो है बहुत गैस की समस्या के कारण जो है बेचैन हो जाता है, उससे संबंधित समस्याएं जो हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम, ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस जो कि पेट में जो है बहुत ज़्यादा जलन हो जाना, और जो जलन में आराम किस प्रकार से मिलता है, कुछ गर्म जो है चीज़ खाने पे या पीने में पेशेंट को आराम मिलता है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बढ़िया काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना, पेट में दर्द बहुत तेज़ दर्द हो जाए, यहाँ तक कि थोड़ा भी टच करने पे पेट में जो है दर्द बढ़ जाए, तो वहाँ पे भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन बढ़िया काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला, ये भी बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, पेशेंट का जो है दर्द के कारण बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है, आप उसका जो है व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है, तो इस प्रकार के दर्द में कैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन बढ़िया काम करती है। इसके अलावा चेलिडोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन, दोस्तों बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, स्पेशली जो हमारे जो है लीवर को स्वस्थ करके पाचन संबंधी समस्याओं से जो है मुक्ति दिलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन नक्स वोमिका, दोस्तों पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है नशे की आदत, शराब पीने के कारण और नॉन वेज खाने के कारण जो पाचन तंत्र में डिस्टर्बेंस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन किसी बीमारी के कारण चली हैं तब से पाचन तंत्र जो है डिस्टर्ब हो गया, तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल होती है। तो दोस्तों, एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है रैक वैक का जो ड्रॉप नंबर 5 है। दोस्तों, उसको लेना कैसे, बहुत ज़्यादा दर्द अगर हो रहा है तो ये जो रैक वैक का 5 नंबर कॉम्बिनेशन है, इसे 10-10 बूंद हम जो है 5-5 मिनट में ले सकते हैं। इसके बाद आराम मिलने पर ये दवा जो है दिन में 3 बार ली जाती है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस की डॉक्टर रैक वैक की ड्रॉप नंबर 5। आपको और किसी प्रकार की समस्या हो, आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम पर, आप ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो है मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूं।
और दोस्तों अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। मेरे वीडियोस जो है आपको होम्योपैथी के बारे में जागरूक करने के लिए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि होम्योपैथी किन किन बीमारियों में बहुत ही बढ़िया कारगर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।